नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? अमृतलाल कौशिक नाम है जी मेरा। अमृतलाल जी आप कहाँ से आए हैं? मेरा गांव खैरानी है अटेली मंडी के पास और मेरा डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। अमृत जी संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 8 अगस्त 2014 को परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हम जैसे मैं ब्राह्मण कुल से पैदा हूँ, जन्म मेरा ब्राह्मण कुल में है, तो हम पितरों की मावस वगैरह निकालना, जिंदा देवी भैरों, और मैं 2 बार कावड़ भी लेके आया हूँ, और इन्हीं ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करते थे। मैं नाम पितरों की शाला सरबाला जी, बाबा खाटू श्याम जी, हर जगह जाते थे मेलों में, और इन्हीं देवी देवताओं की भक्ति करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? इन देवी देवताओं की भक्ति करते करते हमें कुछ कोई खास लाभ तो नहीं रहा था। बार बार घर में कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, मानसिक परेशानियों से जूझ रहा था। मेरे पिताजी बहुत समय से बीमार चल रहे थे, उनकी वजह से मुझे अपनी नौकरी छोड़ के भी घर रहना पड़ा। वो गांव के सरपंच थे तो उनको मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से मैं अपनी नौकरी छोड़ के और गाँव में रहने लगा। पिताजी की जगह सरपंची का कार्यभार करने लगा। सरपंची का कार्यभार करते करते कभी सोशल वर्कर, मेला भरवाना, स्टेजों पर रहना, नेताओं के पीछे घूमना, इस प्रकार अपने जीवन को खो रहा था मैं। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो करोथा कांड की डिबेट चली हुई थी, उस डिबेट के अंदर संत रामपाल जी महाराज की चर्चाएं चल रही थी, भई ये बाबा ऐसा है वैसा है, तो मैंने भी देखा और मैंने भी जगत के लोगों की तरह ऐसे कहा कि भाई एक और बाबा आ गया, खड़दुमाच रहा हरियाणा में सारे में। तो फिर वो निकल गया समय, उस समय निकलने के बाद एक दिन मैंने टीवी चलाया तो टीवी के ऊपर परम संत रामपाल जी महाराज का ही सत्संग चल रहा था। मैंने सत्संग सुना, उसमें देखा कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ये हजार अमर नहीं है, मेरे एकदम श्याप सा सुन गया यार, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हमारे ब्राह्मणा का असली देवता है उनको तो हजार अमर नहीं बता रहे, और हमने तो अपने पूर्वजों से सुना था ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई देवता ही नहीं है, कोई भगवान ही नहीं है, हम तो खुद अपने आप को जगत गुरु कहते थे ब्राह्मण, अगर हमसे बड़ा कोई जगत गुरु है ही नहीं। तो उस सत्संग सुनने के बाद मेरे को शौक सा लगा, लगने के बाद में मैंने उस पर नीचे नंबर देखे, उस पर लिखा हुआ था जी भाई फ्री में बुक आती है, तो मैंने ज्ञान गंगा बुक मंगवा ली जी। गर्मी का टाइम था, खेत में रहता हूँ जी, किसान परिवार में जन्म है, खेती बाड़ी का काम करता हूँ। दोपहर के अंदर गर्मी के अंदर मैंने अपनी वो बुक पढ़नी शुरू करी, बुक एक बार पढ़ी जी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ने के बाद में मैं तो हिसाब वक्ता बन गया जी, जो कोई आवे मैं वो ज्ञान सब न सुनाऊँ, तो लोगों ने भी इंटरेस्ट आने लग गया जी। उसके बाद में मेरे को खुद अपने अंदर से ही प्रेरणा हुई कि क्यों ना इस संत के दर्शन करे जाएं। तो एक दिन जी मैं नारनौल कोर्ट में आया हुआ था, कोर्ट में मैंने देखा कि एक जो कोर्ट में खोखे होते हैं जिनके अंदर अर्जन मेष वगैरह बैठते हैं, इसमें संत रामपाल जी महाराज की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मैंने सोचा भाई ये भी उसका कोई न कोई नुमाइंदा है। उसके पास गया और हमने बातचीत करी, तो मैंने उनसे नू पूछ ली जी आप किस जाति से बिलोंग करते हो? वो बोला जी मैं तो चमार जाति का हूँ, और वो संस्कृत में मुझे गीता के श्लोक सुनाने लगा। मैंने सोचा गीता तो भाई ब्राह्मणों का ग्रंथ है, राम पढ़ते थे, मुझे जिन ग्रंथों के बारे में ज्ञान नहीं, अरे ये छोटी जाति का आदमी ग्रंथों के बारे में बता रहा है। तो मैंने कहा जी आप ये फोटो कैसे लगा रखी है? बोले ये हमारे संत हैं, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं, और इनका आश्रम बरवाड़े में है और हम इनसे जुड़े हुए हैं जी, तो मगा जी हमने भी ले चल सको जो। बोले जी आज ही चलो। मगो नेकीर पूछ पूछ चलो आज शाम को ही। तो शाम को चले तो हम महेंद्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर शाम को सारे मिल ले और वहाँ से चले गए। तो मैं राजदरबार खाता था, तो मैं अपने ट्रेन में 5-4 राजदरबार घाली जेब में और ट्रेन में बैठ लिए, चले गए। सुबह गए हमने बगैर कुछ सोचे समझे वहाँ नियम पढ़ाए, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए? मेरे को मेन लाभ तो ये हुआ कि हम ब्राह्मण होते हुए भी गलत रास्ते की ओर जा रहे थे और गलत भक्ति कर रहे थे। अब हमें शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए था, वो था नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने उन शास्त्रों का हमें अध्ययन करवाया। संत रामपाल जी महाराज ऐसे टीचर हैं जो इतने पेचीदा शास्त्रों का सारा निचोड़ निकाल कर हमको समझा दिया। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेन सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा मोक्ष होगा, बाकी
और छोटे मोटे लाभ तो घर में होते ही रहते हैं। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने नाम ले लिया, मैं उनका शिष्य बन गया। घर आने के बाद में मेरे परिवार के लोगों ने मेरा विरोध शुरू कर दिया, मैंने घर में आते हुए माउस बंद करवा दी, देवताओं के जाना आना बंद करवा दिया, सब कुछ करा दिया। मेरी माँ ने कही भाई तेरे तो विनाश होगा, तुम तुम्हारे पितर भी छुटवा दिया, देवता भी छुटवा दिया। मैंने कही भाई अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ तो पितर अपने ही हैं, कहा कि मुझे बताएंगे अगर भाई तू गलत रास्ते पर। तो पहले क्या करते थे, हमारे कोई भैंस भूस दूध दाद नहीं देती थी तो पितरों का पैसा उबार के उनके ऊपर से और रख देते भाई, पितरों का प्रसाद बांट दियो। और मैंने नाम लेने के बाद में जी भैंसों का मेन बिजनेस था मेरा, नाम लेने के बाद में जो ना दूध देने वाली भैंस थी वो भी मेरा दूध देने लग गई जी आके, कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने के बाद में थोड़ा भाई भाइयों ने विरोध किया, लेकिन अब धीरे 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 चल के वो सब मानने लग गए। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनको भी नाम दिला दिया, मेरी पत्नी को भी नाम दिला दिया, घर में खूब बरकत हो रही है जी, सब कहें कि मौज मौज से। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, उन्होंने भी नाम ले लिया, वो भी परमात्मा की भक्ति करते हैं और मुझे विश्वास है कि वो अपने जीवन में कभी अगर इस मार्ग से डगमग नहीं हुए तो कभी किसी भी कुरीति की तरफ नहीं जाएंगे और हम अपना जीवन बड़ी ठाट से गुजर बसर कर रहे हैं और मालिक की भक्ति कर रहे हैं। खेती में पहले क्या था, जो अनाज 40 मण किले के गेहूँ होते थे वो मेरे 70-70, 80-80 मण होने लग गए। जहाँ भी मैं बीज डालता हूँ मेरे सबसे ज़्यादा अनाज होता है, कम मेहनत में मैं एक एक किले के अंदर 1.5-1.5 लाख रुपए की कमाई करता हूँ, बाड़ी बोता हूँ। अब की बार मेरे साथ एक घटना हुई कि मेरी बाड़ी के अंदर निमाटोड की बीमारी आ गई, तो मैं संत रामपाल जी महाराज की तारीख के ऊपर गया था तो मैंने सोची सारे डॉक्टरों से सलाह ले लूँ। डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जी बाबा तो आपकी खेती ख़त्म होगी। तो मेरी पत्नी कहने लगी जब आप मालिक की शरण में आए तो मालिक के अर्दास्त करो, वो सब कुछ कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से हमने अरदास्त लगाई अपने मन ही मन में, तो मेरे 1,40,000 रुपए की उस उजड़ी हुई खेती में से होगी, तो मेरी आत्मा गदगद होगी। मालिक जो मांगता हूँ वो पहले लिए खड़े रहते हैं गेट के पास। मेरे भाई बंद ऐसे कहते हैं क्या संत रामपाल जी महाराज तुझे पैसे दे के जाते हैं? मैं बड़ी सीना ठोक के उनको कहता रहता हूँ कि वो तो मेरे गेट के सामने पैसे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जब मांगूँ तभी गड्डी पकड़ा देते हैं। एक भाई तो मेरा कहता है कि वो भाई हिसार इसलिए डेली जाओ जग रामपाल जी महाराज की टंकी भरवा दे, सारे दिन पेट्रोल फूक, सारे दिन गाड़ियाँ में घूम। पहले मेरे पास एक पुरानी गाड़ी हुआ करती, तो मैंने परमात्मा से बस मन ही मन में प्रार्थना करी हिसार से आते आते, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी आते आते कि महाराज जी गाड़ी तो बहुत ये पुरानी होगी कि तो एक्सीडेंट होगी, तो मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करा करता। उस कंपनी वालों ने सामने कही कि भाई इसमें लकी ड्रा निकलेगा तो इसमें 1,000 रुपये का कूपन कट रहा है, अगर आप कूपन कटवा लो तो उसके हिसाब का गाड़ी निकला हुआ। तो मैंने सोची मेरी जेब 1,000 ही रुपया था, मैंने सोची कि भाई क्यों ना कूपन कटा लिया जाए, मैंने अपनी धर्मपत्नी का नाम कूपन कटवा लिया। और मैं अपने घर पहुंचा भी नहीं था, अपने ट्यूबवेल से 2-1 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है, मैं पैदल चल रहा था तो रास्ते में एमडी का फ़ोन आया कि जी आप तो बहुत लकी आदमी हो, आपकी पत्नी ने गाड़ी विन कर ली। मैंने कहा भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? लेकिन मैं घर गया, फिर मैनेजर का फ़ोन आया, बोला जी शर्मा जी बधाई हो आपके तो गाड़ी निकल आई। तो संत रामपाल जी महाराज ने नई गाड़ी दे दी सारा आने जाने खातर, सत्संग में आने जाने के लिए। अब क्या हुआ जी, उस गाड़ी की कंडीशन थी और 1.5 लाख रुपया उसके में मैंने देना था, गाड़ी मेरे हैंड ओवर होगी। जब 1.5 लाख देने की बारी आई तो पीछे नोटबंदी का कार्यक्रम, उसमें वो कंपनी बंद होगी। अब कंपनी बंद होगी तो मैं रुपया देऊँ किसने? फ्री फंड में गाड़ी रह गई जी। और इस तबत्ती मालिक दया के करेगो, एक जमींदार आदमी, एक किसान पुत्र होते हुए गाड़ियाँ में घूमना, नेता का लोग किधर घूमने वाला आदमी हूँ मैं जी। एक जी मेरे पैर में प्रॉब्लम थी, जयपुर के डॉक्टरों ने मेरे को बताया कि भाई तेरे गोड्डा रिप्लेस होगा घुटना। तो जी भक्ति करते करते मैंने एक दिन मालिक से कहा कि दुनिया का इतना चमत्कार हो रहा मालिक, मेरे गोड्डो ठीक नहीं हो सके के। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने मुझे पता भी नहीं चलने दिया, आज मेरे घुटने एकदम सही हैं, कोई दर्द नहीं है किसी भी प्रकार का जी, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और छोटे मोटे चमत्कार तो जी होते रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आप जाति से ब्राह्मण हैं, इस बात को आपसे अच्छा कौन जानता होगा। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति छुड़वाते हैं, क्या ये बात सही है?
नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे दुश्मन नहीं है, वो भी भगवान है, लेकिन वो उस कला के भगवान नहीं है कि वो हमारा मोक्ष कर सकें। वो खुद जीर्ण मरण में है, वो तो खुद उनका आविर्भाव और तिरोभाव होता है। हम अपने शास्त्रों को तो ब्राह्मण लोग पढ़ते नहीं, उनको अपने घर में ला कर रख लेते हैं और ऊट पटांग बांटते जनता को भी बताते रहते हैं और खुद भी उस ऊट पटांग ठग्गीबाजी में चलते रहते हैं। पैसे कमाने के चक्कर में हम अपने धर्म से ही विचलित हो रहे हैं। हम अपने शास्त्रों को पढ़ें। संत रामपाल जी महाराज तो ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही प्रोसीजर बताते हैं। उनसे नाम लेने के बाद पता चलेगा कि वो कैसे प्रोसीजर बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करने का सही तरीका परम संत शत्रु रामपाल जी महाराज के पास ही है, और किसी के पास है ही नहीं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो संदेश देने के तो काबिल नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज की दया से अगर कोई भाई नाम लेना चाहे तो साधना चैनल पर उनका कार्यक्रम आता है। पहले सत्संगों को सुने, फिर नीचे पट्टी पर मोबाइल नंबर चलते हैं, उन मोबाइल नंबरों पर संपर्क करके आपके नज़दीक का नामदान सेंटर का वहाँ से एड्रेस मिल जाएगा। वहाँ जाके आप ज्ञान को समझें और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, और संसार के सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मोक्ष निश्चित है। सर, कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके जो अनुयायी हैं अंधश्रद्धा के तहत जुड़े हुए हैं, क्या ये बात सही है? नहीं, कैसे है जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैकेनिकल लाइन का आदमी हूँ, और मैंने खुद ग्रंथ जांचे हैं, और जो भाई शक करता है वो अपने ग्रंथों को खुद पढ़े, खुद जांचे। संत रामपाल जी महाराज संसार में सबसे बड़े टीचर हैं ग्रंथों के, और कोई आध्यात्मिक गुरु जितने भी हैं, जितने भी धर्मों के गुरु हैं, वो इन ग्रंथों को पढ़ के समझा ही नहीं सकते। गीता, भागवत, कुरान, बाइबल, जितने भी पुराण, कुरान, ये सब संत ने दुनिया के सामने खोल के रख दी, और आप भी पढ़ो और जांचो और फिर आके संत की शरण में आओ और अपना कल्याण कराओ। गुरु बिन तो मोक्ष होगा नहीं, गुरु तो बनाना पड़ेगा, और वो तो स्वयंभू परमात्मा ही हुए हैं। आप उनसे नाम लो और अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। थैंक यू जी।